प्रधानमंत्री मोदी वालों ताज़ा बयान आया, वो कहते हैं कि कोई भी गलत आंसर है जो इन्हों की जमीन पर अख नहीं रख सकता। किसान आओ नहीं देते, कंपनियां लै जाओ आप जी, थोड़े को जमीन बच गई। जो कंपनियां कारपोरेट घराने लैके आ रहे जे, जो कारपोरेट घराने के हाथ कानून बना रहे जे, वापस लै जाओ जमीन नहीं। फिर गलत आंसर को असं जान देंगे। सरकार की पोजिशन है इस वे, सरकार बैकफुट पर आ, प्रैशर से आ, लगातार प्रधानमंत्री जी को कुछ ना कुछ कहना पै रहा वा। खुद आपका असर सुख वरस रही इंटरनेशनल लैवल से, कई कह के भी चलो बिच विचाला कर दो, थोड़ा किसानों का थोड़ा मेरा भी कर दो, जिमें अमरीका के राष्ट्रपति का बिच विचाला जहाँ बयान आ गया, तो यदा वो जतन जटाए जा रहे हैं। अपने साथियों को कहा जा रहा है भी मैं कला छड़ रहा। इस किस्म का खेड आपके किसानों ना नहीं खेडनी चाहिए, वो विरोधी ने सियासत तुम करते हो, किसानों का कानून सियासत करते हो। सीधी सीधी गल करो, गल करनी है गल तो पहले किसान रिहा करो, माहौल बढ़िया करो, गल करो, मसले का हल करो। ये तो दूजा पक्ष है भी जो डरा चाहते, जो कुछ करना करके वेख लिया, अंदोलन होर बिल्ड होया, हुण इहदे तों अगे जाओगे ना। सो ये चंगा पक्ष है भी जो कुछ उन्होंने अंदर पहले वैसे डराते हुण करके वेख लिया, उन्होंने मत्थे ते जड़ा वा सानू तूड़ी नज़र आउंदी आ, उन्होंने घबराहट नज़र आउंदी भी हुण गांह की करिए। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो D5 चैनल पंजाबी, ते मैं हाँ इमरान खान। सिंघू बॉर्डर ते किसानी अंदोलन सिखरां ते पहुंचा होया, 73 दिन हो चुके ने, किसानां नूं इत्थे अपने हक मंगण दे लई बैठे ने, पर केंद्र सरकार हाले भी उही हैंकड़ उही रवैया अपनाउंदी होई नज़र आ रही आ। गलबात करांगे साडे नाल किसान मजदूर संघर्ष कमेटी दे सूबा जनरल सकत्तर सरबण सिंह पंधेर मौजूद ने। पंधेर साहब, 73 दिन हो गए, शहीदियां भी होईयां ने, हाले भी उही हैंकड़, हाले भी उही रवैया, की कहोगे? देखो जिहड़ा सरकार की पोजिशन है इस वेले, सरकार बैकफुट ते आ, प्रैशर च आ, लगातार प्रधानमंत्री जी नूं कुछ ना कुछ कहना पै रहा वा। ठीक है जी, ये गल्लां भी जिद्दां बंदा हो जांदा तो उहदी सिफत करी दी है भी किसान जिहड़ा वा देश की आर्थिकता का हिस्सा ने, ये गल्लां उहदे चों निकल के आउंदियां ने। तो इंटरनेशनल लैवल से जिमें प्रैशराइज किया जा रहा, हुण मोदी सरकार खुद आपका असर सुख वरस रही इंटरनेशनल लैवल से, कई कह के भी चलो बिच विचाला कर दो, थोड़ा किसानों का थोड़ा मेरा भी कर दो, जिमें अमरीका के राष्ट्रपति का बिच विचाला जहाँ बयान आ गया, तो यदा वो जतन जटाए जा रहे हैं। अपने साथियों को कहा जा रहा है भी मैं कला छड़ रहा, तो मैनू लगता भी एक कणख का सवाल बनाया हो, किसी लोकतंत्रिक कंट्री चाहे नहीं हों, तुसीं कोई कानून लैके आउंदे जे, तुसीं उहदे प्रति जो मर्जी दावे करो, जिन्हों लोग समझते भी साढ़े विरुद्ध आ ते सच आ, तुसीं उहनूं वापस लै लोगे, तुहाडा घटदा कुछ नहीं हैगा। इह लोकां नाल चुनिया हुई सरकारां दे मुढ़ले फर्च हुंदे आ, जे तुसीं ऐ नहीं करदे फिर तुसीं डिक्टेट करदे जे, फिर भारत दा विधान संविधान उहनूं सिक्के ते टंगदे जे, तुसीं लोकतंत्र कदरां कीमतां दीआं गल्लां आपदे मूँह किहड़े हिसाब नाल उहनूं किवें क्लैरिफिकेशन करोगे तुसीं भी की आ तुहाडा लोकतंत्र ते विश्वास किवें आ, लोक होर कुछ कह रहे, तुसीं होर कुछ कह रहे हो, इह तां जवाबदेही लोक करनगे ना उहनां कोले। प्रधान साहब, एक ट्वीटर जिवें कीता जांदा रिहाना दे वल्लों जां होर भी जिहड़े विदेशी लोग ने उन्होंने वालों ट्वीट किया जाता, पर जिहड़े लोग ने कुछ चाहे फिल्म स्टारां की गल की जाए चाहे खेड जगत की गल की जाए, उन्होंने विदेशी ट्वीटर से इतराज़ क्यों? देखो जो आप ब्लाइंड समर्थन होंगे आवाज़ चक्कन की गल है ना, उन्होंने आवाज़ चक्की, तुसी किसी के विरोधी जे किसी नहीं, किसी ने आवाज़ चक्कन तो गल कि करते, खेती कानूनों के समर्थक हो सकते जी, होवो ये तो हैगा भी भाई, जिवें गल आ रही भी साड़ी तो अंदर की गल आ, अंदर की गल है तो की मतलब अंदर जो कुछ हो जाए कोई आवाज़ ना चके, मैं कहना इनू ऐ लिया जाए भी कोई ट्वीट करता तो उत्ते परचा कर गल, तो भाजपा के कुंडे पत्थर मारते सट्टा लाते उन्होंने कोई परचा नहीं। देखो क्या हिंदुस्तान की व्यवस्था, वो कोई स्टार नहीं बोलता भी तुम बई उन्होंने परचे क्यों नहीं करते, तो यह भी जोड़ा इंटरनेशनल लैवल से वो तो उत्थे खड़िया ने हस्तियां भी असं नाल खड़े हाँ, भावें हूँ कि कमिश्नर का बयान आ गया उस वे पै नहीं है परचा पुरचा नहीं जी किया जी, ठीक है मतलब इस वे बैकफुट पर जाना पै गया, तो मतलब लगता यह सरकार की कोई सही पॉलिसी सही दिशा निर्देश वो जिमें आम लोग करते होंगे अफड़ा तफड़ी जो ही सरकार कर रही उन्होंने समझ नहीं हो रहा, मैं करा कि फट दे चलो जी FIR फट दे बयान वापसी, मतलब यह भी घबराहट है उन्होंने अंदर जिमें अंदोलन चढ़ रहा तो वो दबाह हेठ सारा कुछ सामने थोड़े आ रहा। एक प्रधानमंत्री मोदी वालों ताज़ा बयान आया, वो कहते हैं कि कोई भी गलत आंसर है जो इन्हों जमीन पर अख नहीं रख सकता।
असं कहने गलत आंसर किसान आ नहीं देते, कंपनियां लै जाओ आप जी, थोड़े को जमीन बच गई जे कंपनियां कारपोरेट घराने लैके आ रहे जे, जे कारपोरेट घराने के हाथ कानून बना रहे जे वापस लै जाओ जमीन नहीं, फिर गलत आंसर को असं जान देंगे। एक पासे तो एक कॉल दूरी सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का बयान आता, दूजे पासे सख्त वैरीगेटिंग खुली जेल बना दी, की कहोगे दोगली नीति? देखो देखो ये चीज़ा होंगे डिप्लोमैसी होंगी है, ये ठीक है बड़े लोग ने उन्होंने को अजीत डबाल वर्गे बंदे है बड़े ब्यूरोक्रेट्स ने है भी किमें किमें बाल दागने हैं, पर ये सारे कुछ के बाद सरकार की जिनी ब्यूरोक्रेसी है जिनी आईएसआई लॉबीज आ वो फेल हो गई है, भी उन्होंने खिलाफ गया सारा कुछ, ठीक है जी। इन्ना कुछ करने के बावजूद हूँ पहले बैरी किल पुट ले उतों गाजीपुर तो फिर कहता जी किल होर लाने, मतलब ये गल्ल की दस दियाँ। सो मैं लगता भी प्रधानमंत्री जी ने इस किस्म का खेड आपदे किसानों नहीं खेडनी चाहिए, वो दे विरोधी ने सियासत तुसी करदे हो किसानों ना कानू सियासत करदे, सीधी सीधी गल करो, गल करनी है गल तो पहले किसान रिहा करो, माहौल बढ़िया करो, गल करो, मसले का हल करो, इतना सीधिया गल्ला करते हैं वो सियासत जी होर कि करो वोटा इलैक्शन के किसानों सियासत नहीं होनी चाहिए। जी ट्वीट वार चल रही है, तुम्हें लगता नहीं कि ट्वीट वार तो बाद जी केंद्र सरकार दे विच काफ़ी ज़्यादा हिलजुल शुरू होगी, क्योंकि परसों ट्वीट होंदा कल अमित शाह होरां दी मीटिंग हो जाती है, हिलजुल नज़र आ रही है ट्वीटों बाद? हाँ उन्होंने जी आपकी पॉलिसी पहले अपनाई आनू रीथिंक करना पै रहा, फिर रीथिंक कर रहे, फिर रीथिंक कर रहे, यदा मतलब जिधर वो जाना चाहते थे लोगों ने उधर नहीं जान दिता, तो उन्होंने नवे नवी नवी कोई ना कोई चीज़ लियानी पै रही है, तो यह मैं कहना भी उभर रहे अंदोलन की जित आ की हुण लगता की आ डेडलॉक बनया होया टुटेगा किवें, क्योंकि ना ही उधरों कोई गलबात हो रही है ना ही तुहाडे वल्लों कोई गलबात हो रही है, टुटूगा किवें डेडलॉक जी? देखो जिहड़े फरियादी हुंदे आ फरियादे दा कहदा हुंदा वो तो फरियाद करन नूं बैठे राजे उन्हां दे बूहेगाड़ी बैठे आ, उन्हूं 70-75 दिन हो गए आ, हुण राजे उन्हां दी मर्जी उन्हां नाल गल करे ना करे, फरियादियां दी बड़ा की मजाल हुंदी आ, फरियादी तो बैठे आ चांगरा मारी जांदे आ भाई, हाड़े कढ़ी जांदे उन्हां दे भाई आ साडी सुण लो, कोई ना कोई तरीका लैके आउंदे भी आह करना लोकतंत्र विच आपदी गल पहुंचाउणी आ, हुण राजे हुणी छल वाली नीति आ उह मीडिया च प्रैशर डाउन करन नूं असीं गल कर रहे हां जी, गल करांगे जी, गलबात ही मसले दा हल आ जी, उह गल्लां नूं उलझाउंदे आ, किसानों वालों गलबात तो कोई इनकारी नहीं है, वो तो एक ही चाहते हैं भी तुम जे नौजवान या किसान साढ़े गिरफ़्तार किए रिहा कर दो, माहौल आम वर्गा करो, उस माहौल दे विच फिर गल कर को वक्रा मतलब होगा, तुम गल करके गल मननी आ नहीं मननी, असी आपकी गल तो खड़ना ही खड़ना, उतो नहीं बछेड़ते, वो गल करने हक होंगे वा, कोई तेर अपनी गलते बजिद रह सकती है, ये हक होंगे, पर धिर कोई कहे बाम रोड़ो एक बने तो बाम रोड़ के गल करो, ये दो चीज़ा नहीं चलनिया होंगे। पंधेर साहब मसला हूँ यह आ कि गलबात चलो टेबल टॉक से ही मुकनियाँ, हर बार जो भी अंदोलन चलिया वो गलबात का जो हल है जो मसले का निकलता वो गलबात राही निकलता, पर गलबात इतने यही है कि नवे तो नवे जिहड़ियां खेडां खेडदी आ रही है सरकार, भावें कि परचों की गल करिए हुण जिवें एक उलझा जी दिता यह अंदोलन में कि पहला परचे नबेड़े जाने जिहड़े परचे पाए गए नौजवानों से, कि सारा ध्यान पहला मीटिंगां दे वल सी हुण इधर हो गया, हर बार नवे तो नवी खेड ए नहीं हुंदा ना, जदों सरकारां कोई छल कर दियां हुंदियां कोई षडयंत्र रचदियां हुंदियां, षडयंत्र दे विच ओह डीमोरलाइज करन दा जतन करदियां हुंदियां आम जनता नूं, लड़न वाले लोग ये वेंदे हुंदे भी आम लोगों का उत्साह कि गल ते बहाल होना, असीं आपदे अंग अंग ही अपने बंदे नूं समझिए भी तुसीं वार करोगे तो असीं नहीं बर्दाश्त करांगे यार, ये थोड़ा ठीक नहीं है, तुसीं निरपक्ष जांच करो, तुसीं फसोगे दे विच, तो इस करके अपने बंदियां दे हक च खड़ना किसानां नूं तां हक बनदा वा, जां फिर ये हो सकदा कि सरकारां जिवें पहलां तो कोशिशां कर रहियां ने कि किसी ना किसी तरीके दे नाल किसानां नूं पहलां भरमाउण दीआं कोशिशां होईआं फिर डराउण दीआं दबाउण दीआं, हुण वी यही हो सकदा कि परचे दर्ज करो तां जो उन्हां नूं भड़काया जावे, भड़काहट दे विच आ के कोई नवां कदम चुकण जो तां जो अंदोलन नूं फिर तो बदनाम किया जावे, ये हो सकदा? देखो ये उन्हां दे अंदर एक मनशा सी, एक प्लैन सी, वो दूजा पक्ष यदा प्लैन फेल हो गया, यही डर है ना भी जेल च सुट देंगे, यही डर ने परचे कर देंगे, पर मुंडिया दिया मावां तो यह कहिंदियां जदी पूनिया ने बाहर एक इंटरव्यू दिती तो कहिंदे काले पानी घल दो अंदर, मैं कहना मैं मिल के आया असी काले पानी भी कहते हैं, मतलब जिहड़ा डर आ वह भी तो खत्म हो गया, यह दूजा पक्ष है भी जिहड़ा तुसीं डराउणा चाहुंदे जो कुछ करना तुसीं करके वेख लिया, अंदोलन होर बिल्ड होया हुण इहदों अगे जाओगे ना, सो ये चंगा पक्ष है भी जो कुछ उन्हें अंदर पहले वैसे डराते हूँ करके वेख लिया उन्होंने मत्थे जड़ा वा सानू तूड़ी नज़र आती है उन्होंने घबराहट नज़र आती भी हूँ गांह की करिए,
किसानों ने तो झल लिया, यदा दूजा पक्ष यह भी आ भी लोग डरे नहीं, ये चंगा पक्ष है यदा तो लोग डिसिपलिन भी हम समझते भी डिसिपलिन रहना जरूरी है। भंडेर साहब एक जिमें हों जिमें हूँ परचे पाए गए नौजवानों के उत्ते या होर भी जड़ियाँ कारगुजारियां कर रही है केंद्र सरकार, कितना कितने हो नहीं सकता कि जो पिंड के लोग होंगे ने कुछ थोड़ा बहुत जे अपने बच्चों भेजने तो गुरेज कर इस अंदोलन के, क्योंकि जो नौजवानों बिना गल तो चक के 307 का परचा दर्ज करता इरादा कतल, लगता कि थोड़ा बहुत डर भी हो सकता अंदोलन के फर्क पै सकता इस नाल? नहीं, यही सरकार यही करना चाहती सी, हमले वाली गल भी यही आ, खदेड़ दांगे असफल नहीं हुए, गाजीपुर आ बैरीकेटिंग वगैरह उदे च भी नहीं हुए, हुण गल आ परचे पाउण वाली, गल तां अंदरों निकल आई भी तुसीं काले पानी भी घल दो असीं नहीं डरदे, आ शेरों वाले परिवार ने कहा भी सारा टब्बर आउण नूं बैण नूं तां सारा टब्बर अंदर दे दो, आ साडे को खबर आई, मतलब ये गल है भी ये गल्लां खत्म हो गईआं। हुण उन्हां लई वड्डी समस्या भी जिहड़ा असीं वार करना सी वार चल के बंदे गांह खड़ गए आ, हुण अगली प्लैनिंग करन भी अगला वार किहड़ा करना साडे च, मतलब ये नवां पक्ष है इहदा, ये सगों माड़े पक्ष नूं चंगा पक्ष आ। हाँ जी, एक इंटरनेट सेवावान जी बंद की गई ने सरकार के वलों, यह नवी जी खेड खेडी गई उसते भी जोड़े हैं बच्चों के मापे ने उन्होंने वालों सुप्रीम कोर्ट के एक पटीशन दायर की है कि साढ़े बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, हो सकता वह कह कि किसान इतने बैठे ने जो केंद्र को दोष लगाएंगे? हाँ देखो, मेरे ख्याल दो जिले च रह गई, बाकी तो चकलिया 5 बजे का टाइम है, ये चकनी पै सकती है, ठीक है जी, करनी वह सवाल पिछे किसी होर तत्थ जो कुछ किया गया, मैं कहना थोड़ा दो बंद सू ना आए भी ये बंदे साढ़े नहीं मिल रहे, मेरे ख्याल कमास के दे किमें फाव, वो दो बंदे इतने से लभ ले बगरले बने वो इतने ही आ अठा दिन, वो गल ही नहीं करते बापू बापू कहता लै कोई गल नहीं, मैं मैनू क्यों चला मैं घर कल गल करनी, हूँ यह चीज़ें नहीं वो जो नैट बंद है तो फाव बहुत आ, जे नैट खुलिया हों फाव, मतलब ये भी सगा भी इधर गल मीडिया छाल दो इन्ने नौजवान इधर आ इतने नौजवान इधर आ, तो उदो बाद पंजाब वाले नूं पता ना लगे भी साढ़े ना की हो रहा जो इतने उन्होंने पता, तो ये अफवाहों फैलाउण लई ही नैट बंद कराया गया सी, आवाज़ ना भी किसान लीडर की आवाज़ उन्होंने तक ना पहुँचे, मेरे ख्याल ये भी वो ना कामयाब हो जे उन्होंने बाकी चक लिया तो भी वापस करे भी भराओ ये बंदे कामयाब, मतलब हूँ ए तो बाद हथकंडा जमें नहीं कबाम दी, सरकार नैट बंद कर देने लगी है जी, सरकार बत्ती बंद कर लगी जी, सरकार पानी बंद, हूँ सारा कुछ करके वेख लिया मैं हूँ की करूँगी, हूँ ये फवाह किमें फैलूगी नैट के उत्ते, मतलब सरकार का हथ जरा साडे हीला जरा जबर उन्हें किया फेल हो गया। पिंड एक मते पाए जा रहे हैं कि जिहड़ा ट्रैक्टर ट्रैली अपना लैके आऊगा हर पिंड दे विचों हर घर दे विच एक नौजवान, तुहानू लगता क्योंकि गल्लां उठ रही ने कि जिवें पहलां लोग चावां नाल आउंदे सी असीं अंदोलन दे विच आवां, हुण लोग कह रहे ने कि कई लोगों की जिहड़ी मजबूरी जी बन गई, ये नहीं लगता तुहानू? नहीं देखो, ये उत्थों दी जिहड़ी पंचायत है उहदे अपने पद्धर दे फैसले आ, इहदा मतलब जो केंद्र ने कीता पक्ष वेखो, उदों बाद किन्ने लोगों विच रोस आ भी वह पंचायत का जरा असूली उन्होंने वरत के आ रहे हैं, भावें अपनी नीति नहीं है भी किसी से जुर्माना लाइए, पर पिंड लगता भी असं एक असूल बनाइए भी सारे की होवे, तो लोग ऐ कहते होंगे भी एक ही असूल बनाओ पिंड वाले कोई बना रहे, उभर के आ रही है यदि भावना माड़ी नहीं है, तुम बन के तो किसी को नहीं ला सकते, यदा मतलब सारा पिंड एक सी, जड़े माड़े मोटे पिछे जाते उन्हें कहा भी तुम भी जाओ, तो मतलब ये उत्साह उभार कि वा भी किन्ने रोज लिया उन्होंने हमले नूं लत्ती वाले हमले नूं, भी सरकार वधिया साडे बंदे नूं कुटन लगी असीं ऐ करांगे यार, मतलब इहनूं पॉजिटिवली वेखना चाहीदा सानूं। भंडेर साहब एक चक्का जाम की जिहड़ी कॉल दित्ती गई है 6 तरीक की, उस दे लई किस तरह दीआं तैयारियां ने ते किस तरह की रणनीति ओह लिखी जा रही है? वह पंजाब दे विच जिलियां च पॉइंट बन गए, तैयारी फुल आ, ते तुसीं वेखोगे भी अनोखा होगा, मतलब लखां लख लोग पूरे देश विच कल निकलणगे ते सरकार दे खिलाफ़ ये तकड़ा 3 घंटे का सड़क जाम पूरा भारत जाम होगा। एक उधर जिहड़े गाजीपुर बॉर्डर के उत्ते एक डकैत सुरा ने एक ऐलान किया कि असी स्टेज के उत्तों मोदी के बारे अपशब्द नहीं बोलांगे, चलो चंगी गल आ, दूजी गल यह आ कि उत्थे जिहड़े सियासतदान आ सियासी रंग देण नूं फिरदे ने। हाँ देखो, व्यक्तिगत तां कदी भी कोई लीडरां दा इंडिविजुअल थोड़ा हुंदा, अपशब्द तो कोई साढ़े खिलाफ़ बोले सी बोलिए बनता नहीं हुंदा, जो सधारण लोगों ने एकदम नीति ना लड़ाई आ नीति ना भेड़ आ, असीं लड़दे सारे लीडर आ, बाकी देखो सियासतदानों ने आपदी सियासत करनी है, साढ़ा इतने सारिया जथेबंदी का प्रोग्राम हैगा लोकतंत्र में, उन्होंने आपदा गल कर हक है भी साड़ी स्टेजा किसान मजदूर स्टेज आ, इतने भी कोई सियासतदान लेना देने अपने पद से जो मर्जी कर, कि तो यह तो नहीं है जी, क्योंकि गल्लां हो रही ने कि आने वाले दिनों के जिवें सियासतदान बड़ी गिणती के उत्थे जा रहे हैं डकैत साहब को, कितने सियासी रंग देखने के नाल नाल यह अंदोलन सियासी भेट चढ़ जू? ऐ नहीं है, जो एड्डा वड्डा अंदोलन बैकबूश होया वा वह उन्होंने सिरों पर राजनीति करते हैं, प्रैशर उन्होंने बहुत है, जो लोगों का आभार बहुत तेज हों
ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਰਬਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਬਖੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ 2022 ਨੇੜੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।